मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज जो मंडी आज का दूसरा दिन है, खुली है अवकाश के बाद में, तो काफ़ी मात्रा में जो है आवक हो रही है। हमारे साथ जो पंकज जी हैं उनसे बात करेंगे कि आज किस तरह के मंडी में रहा, बाजार रहा है और किस तरह की आवक रही है। पंकज जी, और ये सोयाबीन के आज बाजार ठीक है, बाजार 3,500-3,500 पूरी आवक है और 4,500-4,750 बिकी हुई है। आज सुधार है सोयाबीन में, कितना सुधार है? 50-60 रुपए सुधार है कुछ। इसका क्या कारण रहा 50-60 रुपए? डिमांड निकल रही है, तेल वेल की जो होली वोली हो गई अभी, उस हिसाब से थोड़ा इसमें सुधार है। बाकी दूसरी चीजें तो मंदी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बताया जा रहा है। हाँ बराबर बराबर। तो कहाँ से हो रहा है कुछ जानकारी? ये इतना तो जानकारी अपने को नहीं है। अभी क्या आगे क्या स्थिति रहने वाली क्या? और सोयाबीन तो ठीक है, अभी बस ये सामान ये बाजार ही चलने 5-50 रुपए, बस यही चलते हैं। 47 अलसी और मेथी क्या? अलसी ऊंचे में 5,000 रुपए बिकी है, 48 से लेके 5,000 रुपए। और आवक थी करीबन 2-1,000 बोरी है। अच्छा। और अपने चने बिके हैं 53-53 ऊंचे में, 5,200 से 53,500, 1,500 बोरी 1,700 बोरी चने हैं। आवक चने में क्या लगता है अब आगे, क्योंकि चने सुधर सकते हैं, बाजार सुधर सकते हैं। चने कितना तक जा सकता है? चना 60 रुपए तक जा सकता है, 6,000 तक जा सकता है। अभी आज क्या गया है? आज ये 54.5 रुपए, मतलब 5-6 रुपए तेजी आ सकती है। 5-6 रुपए की तेजी बढ़ सकती है। सोयाबीन में भी आ सकती है? सोयाबीन में इतनी तेजी नहीं आ सकती है। सोयाबीन ये 48 रुपए बजाय बोनी के टाइम जाएगा, जैसा पानी के ऊपर है वो आगे वो देखा जाएगा उस हिसाब से। अभी तो हाँ, अभी ये रहना, 48 रुपए जो चल रहा है। तो आज कुछ तेजी है? आज कुछ तेजी, 5-50 रुपए सुधार है आज। तो पंकज जी का कहना है कि सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं, लेकिन आज जरूर तेजी आई है। इसके अलावा जो चना है उसमें आगे तेजी देखी जा सकती है, मेथी में कुछ तेजी आने की संभावना जता रहे हैं। तो इस तरह से आज जो है वो मंडी के अंदर भाव है, सोयाबीन करीब जो है 4,800 रुपये तक गए हैं, इसके साथ ही जो है 5,500 रुपये तक जो चना है वो मंडसौर मंडी के अंदर बिका है। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंडसौर से मैं दीपक शर्मा।